और अभी माँ लगी हुई है रोटी बेलने पे, रोटी बनाने पे। तो फाइनली 200 के सब्सक्राइबर भी हम लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा लगा। इसी तरीके से उनकी रक्षा की जाती है। जो छाने वाले होते हैं वो राशन इन्हीं में ले जाते हैं भाई। टांगरे, ये बड़े बड़े सिंह वाले बाबा बोलते हैं, जो दादा की बहन होती है ना उनको। आप सुबह सुबह ऐसे ठंड के मौसम में अगर चाय मिल जाए तो उसके मजे ही कुछ अलग होते हैं। तो चलिए जी, वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में। देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से अभी लगभग सुबह के 8 बज रहे हैं और हाथ में देख सकते हो आप लोग चाय का गिलास है। आज काफी जल्दी सुबह की शुरुआत हो गई है। वो इसलिए हुई है क्योंकि भैया लोग आए हैं, अब वो पत्थर निकालने का काम करेंगे, बाकी उनको सामान वगैरह देना है। तो ये चीज है भाई, अब जो पत्थर का काम है वो भी मतलब दे दिया है तो वो भी हो जाएगा। तो आज से जो मेन है यहाँ पर, क्योंकि ये वाली ज़मीन ऐसी है जो धंसने वाली ज़मीन है, मतलब इधर से टूट फूट होती है ना, तो यहाँ पर जो बुनियाद है वो काफ़ी सही चाहिए भाई। तो उसके लिए नीचे यहाँ पर पत्थर लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पर लगे हुए हैं देखो आप लोग। तो इसलिए अब पत्थरों का काम भी स्टार्ट हो गया है, बाकी देखते हैं भाई और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करूँगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें मकान पर लगती हैं। वो इसलिए क्योंकि जब पिछली बार हमारा मकान बना था तो उस टाइम पर मैं पढ़ाई करता था, मतलब छोटे क्लासेस में था 11th 12th में, तो उस टाइम पर कुछ पता नहीं होता था और घर वाले उस टाइम पर ना कुछ बोलते भी नहीं थे कि मतलब ये करने के लिए वो करने के लिए। तो इस वाले कारखाने से पता चल जाएगा भाई कि क्या क्या चीज़ें घर में लगती हैं और कैसे ये काम होता है। तो देखते हैं। और उन भाई लोगों को सामान देते देते लगभग 8:30 हो गया है और अभी भी यहाँ धूप नहीं लगी है, तो इसका मतलब है 9:30 तक, 9:30 बजे तक यहाँ धूप लगेगी। और ये देखो आप लोग, धूप की किरणें ऐसे आती हैं। आज देखो सुबह की शुरुआत काफ़ी जल्दी हो गई है, इसलिए अभी मैं धूप का वेट कर रहा हूँ। तो ये देखो आप लोग, अभी लगभग 9 बज गई है और अभी भी देखो धूप अभी यहाँ पर आई है। मैंने बताया था ना कि ठीक यहाँ पर से धूप आती है, जहाँ पर ये पूरा ही दिखाई दे रहा है ये वाइट, मतलब बीच वैसे। तो अभी देखो यहाँ भी धूप आएगी और यहाँ भी देखो सामने पर धूप चली गई है, तो थोड़ी देर में। और एग्जैक्ट अभी टाइम हो रहा है 8:57, तो देखते हैं भाई आज कि यहाँ पर कितने बजे धूप आती है, एग्जैक्ट कौन सा टाइम होता है जहाँ पे यहाँ पे धूप आती है। तो मुझे लग रहा है 9 बजे ही लगभग यहाँ पे धूप आती है, 2-3 मिनट में या 5 मिनट में यहाँ पे धूप आ ही जाएगी लगभग। एक चीज तो है भाई कि सुबह के टाइम पे इतना खतरनाक वाला ठंडा लग रहा है, जैसे जब हम नंदीकुंड ट्रेक पे गए थे तो आपने एक चीज देखा होगा कि व्हाइट व्हाइट स्नो टाइप की पड़ जाती है जिसको हम पाला बोलते हैं, तो पाँव पे तो अगर सॉक्स वगैरह नहीं लगाए हैं ना तो इतना भयंकर वाला ठंडा हो रहा है जैसे हम लोग ठंडे पानी में चल रहे होंगे, वो वाला ठंडा हो रहा है। और यहीं ठीक ऊपर में भाई के लड़के हैं तो उनका भी टाइम हो गया है स्कूल जाने का। आजकल 10 बजे वाली स्कूल होती है तो 9 बजे यहाँ से रास्ता लगते हैं। हेलो, हाय। और ये है अशोक की लड़की। अभी करेक्ट 9 बज रही है और अब जा कर के धूप लगी है भाई। अभी देखो पूरी धूप अच्छे ढंग से लग गई है, इसका मतलब है 9:01 पर यहाँ पर धूप लग जाती है भाई। तो मैंने बताया था कल रात को नीचे दादी लोगों के यहाँ पर देव कार्य हो रहा है और अभी यहाँ पर आई है मेरी बाबा जी। बाबा बोलते हैं, जो दादा की बहन होती है ना उनको बोलते हैं। तो जो बाबा हैं वो गांव में रहती है, तो बाबा के जो परिवार वाले हैं वो हमारी वीडियो देखते हैं, वो रहते हैं देहरादून दिल्ली में, तो वो लोग भी देखते हैं हमारी वीडियो। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। तो अभी बाबा यहां पर आई है हमारे यहां पर, तो जब भी यहां नीचे आती हैं तो यहां आती हैं, जितने भी हमारे यहां पर परिवार हैं सब जगह आती हैं, सबसे मिलना होता है और फिर गाँव में जाती हैं। तो वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, ऊपर गाँव में है बाबा का घर। तो चलिए जी, अभी सुबह के टाइम पर मैं अपने भाई साहब के साथ आया हूँ और इनके यहाँ पर बकरियाँ हैं तो उनको अभी हम लोगों ने दवाई पिलानी है। हेलो भाई जी, चलो है इनकी गौशाला, ताऊ जी भी हैं यहाँ पे। अब एक चीज़ है, जो इनमें ये भीड़ हैं उनको ना दवाई देने में काफ़ी आसानी होती है, मतलब वो ज़्यादा उछलते नहीं हैं दवाई देते हुए, लेकिन जो ये बकरियाँ होती हैं ना, ये बड़े बड़े वाले, ये उछलते हैं ज़्यादा ना भैया। हेलो, ताकतवर होते हैं। हाँ, ताकतवर ज़्यादा होते हैं। चलो, जैसे कोई शांत है तो वो तो जैसे दवाई खान, उनको जैसे दवाई दे रहे हैं तो आराम से ले रहे हैं वो,
लेकिन कोई कोई काफी खतरनाक होते हैं भाई। चलो अब इसके सींग देखो आप, कितने बड़े बड़े सींग हैं इसके। जो ये बड़ी बड़ी बकरियां हैं उनमें से सबसे बड़ा है वो वाला, और ये वाला, मतलब ये दो सबसे बड़े हैं। अब जितने भी पालतू जानवर होते हैं इसी तरीके से उनकी रक्षा की जाती है, मतलब दवाई टाइम पर देनी पड़ती है। कितने कितने महीने में देते हैं इनको? एक महीने में दो बार, 15-15 दिन में 15-15 दिन में, 6 महीने में 2 बार, 4 बार। अच्छा, 6 महीने में 4 बार ही लगभग। और उसके बाद ये फिर से हिमालय की तरफ चले जाते हैं। और आपको एक बात बता दूं, जो ये बड़े बड़े होते हैं ना, जो छाने वाले होते हैं वो राशन इन्हीं में ले जाते हैं भाई। जो ये बड़ी बड़ी वाली बकरियां होती हैं, ये बड़े वाले, इनको हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है लवटे। ये देखो आप, ये बड़े बड़े, और छाने वालों को बोला जाता है पालसी हमारी लैंग्वेज में। तो चलिए जी, यहाँ पर जितने भी बकरियाँ थी और भीड़ थी उनको दे दिया है। बाकी इन्हीं में एक और चीज़ होती है, इनको हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है टांगरे। ये बड़े बड़े सिंग वाले, ये देखो इतने बड़े बड़े सिंग होते हैं। और इनकी जब लड़ाई होती है ना, इतनी जोर की आवाज़ आती है। यहाँ देखो इतने बड़े सिंग होते हैं इनके, भाई साहब डर भी लगती है भाई इनको। अगर गलती से मार दिया तो बुरी हालत हो जाएगी। एक चीज़ और देखने को मिलेगी, इसको घनु लिया है। क्या है? घनु लिया। अच्छा तो चलो भाई, जो दवाई देने का काम है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब मुँह हाथ धोने चलते हैं और फिर घर जाएंगे। बाकी दोपहर का खाना भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, तो अब अच्छे ढंग से रेस्ट करते हैं। तो चलिए जी, अभी लगभग दोपहर के 3 बज रहे हैं, 3:20 हुए हैं। और अभी अभी मैंने अपने चैनल पर देखा तो फाइनली 200 के सब्सक्राइबर भी हम लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ये सब चीज़ हुआ है। तो कभी हम लोग सोचते थे भाई कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर ही हो जाए, फिर 1000 हुए, तो फिर सोचा कि 5000 हो जाए, फिर 10000, तो उतना का बिल्कुल भी पता नहीं चला। बाकी आप सब लोगों का इतना सपोर्ट रहा है, थैंक यू सो मच। और सबसे अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो ये देखो भाई, फाइनली 200 के सब्सक्राइबर हो गए हैं हमारे। ये जी, अभी टाइम भी 4:35 हो गया है। बाकी अपना एक फौजी यार आया है घर, अनिल, और बहुत टाइम बाद दिखाया जाए, लेकिन जब भी वीडियो में आता है तो एक बारी दिख ही जाता है ये। तो अभी कितने दिन की छुट्टी आ रखा है? मैं से 10-15 दिन। हाँ, 10-15 की छुट्टी आ रखा है फौजी साहब। ऐसे ही मिलती है आर्मी वालों की छुट्टियाँ कम पर ठीक बहुत मुश्किल से वो तो। बाकी आजकल घर आ रखा है, कुछ दिन रहेगा घर में, फिर उसके बाद ड्यूटी चले जाएगा। और अनिल का घर है भाई ठीक ऊपर में, ये वाला घर जो आपको ये नीला वाला घर दिखाई दे रहा है ना, एक तो टूटा वाला घर है वो हमारा है, उसके ठीक नीचे पे अनिल का घर। बाकी उस जगह से हमारी बचपन की यादें काफी हैं, क्यों ब्रो? और मैंने बताया था ना कि हमारे परिवार में यहाँ पे देव कार्य चल रहा है, तो आज शायद यहाँ समापन है और अनिल के यहाँ वो पंडित जी जाने वाले हैं, तो पंडित को लेने के लिए अनिल आ रखा है। तो चलो चलते हैं वहाँ पे। तो चलिए जी, अभी शाम के भी 5:30 हो गए हैं। बाकी जो देव कार्य है वो भी कंप्लीट हो गया है, और अभी वहाँ से मैं घर को भी आ गया हूँ। प्रसाद वगैरह बांटना होता है लास्ट में, वो बांट करके मैं घर में आ गया हूँ। बाकी देखो भाई, ऊपर ऊपर पहाड़ियों से भी अभी धूप चली गई है। देखो पूरा शाम का टाइम हो गया है। तो चलो भाई, बाहर पर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बाकी अंदर पर रोटी बन रही है, तो यहाँ पर बैठते हैं, मस्त से आग सेकते हैं। और अभी माँ लगी हुई है रोटी बेलने पे, रोटी बनाने पे, और बाहर तो बहुत ठंडा हो रहा है भाई। यहाँ पे देखो सब्जी बनके रेडी हो गई है। ये हमारा खाना भी कंप्लीट हो गया है रात का, घर का काम भी लगना स्टार्ट हो गया है। तो अब जो भी होता रहेगा वो आपके साथ शेयर भी करता रहूँगा मैं। तो चलो इस वीडियो को बस यहीं पर क्लोज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाना। तो मिलते हैं आपको अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बाय बाय।